अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। आज मैं लेकर के आया हूँ बिली जीन का डांस। जी हाँ, बिली जीन का डांस कैसे किया था माइकल जैक्सन जी ने, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, आपको लिंक दे दूँगा साउंड वाले वीडियो को, अगर देखना है तो मैं नीचे लिंक दे दूँगा इंस्टाग्राम का, वहाँ पर आप जा करके क्लिक करके मेरी इस वीडियो पर पहुँच सकते हैं और आप साउंड में ये वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग का ये भी कमेंट आ रहा है, मैंने एक वीडियो में बताया था कि मैं पेंटिंग भी बना लेता हूँ, मतलब पेंसिल से किसी की भी तस्वीर बना सकता हूँ। तो बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट कर रहे हैं कि भाई मेरा भी बना दोगे, तो बिल्कुल बना दूंगा दोस्तों। आप हैं तो मैं हूँ तो आप लोग को क्यों नहीं याद करूँगा। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बना दूंगा, लेकिन अभी मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, क्योंकि अभी मुझे अपने चैनल को आगे बढ़ाना है। तो मुझे अभी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाना है, कंटेंट अच्छा अच्छा ढूंढना है, ताकि लोग मेरे चैनल पर आएँ, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मोनेटाइजेशन होने में दिक्कत ना हो। एक बार यहाँ मेरा मोनेटाइजेशन ऑन हो जाने दीजिए और सब कुछ जो है प्रोसेस इसका हो जाने दीजिए, और यूट्यूब पे मेरा सेटल हो जाएगा। फिर जो मैं सबकी तस्वीर बनाऊँगा, आप ही की नहीं, मैं सबकी तस्वीर बनाऊँगा, जो जो मेरे चाहने वाले हैं, जिसने भी मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, शुरुआती दौर से मुझे उठाया है, तो मैं सबकी बनाऊँगा, मैं सारे सब्सक्राइबर की फ़ोटो बनाऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सर झाड़ना है अपना, ठीक है, सर को कंघी करना, ओके, कुछ इस तरह, ओके, कैसे करेंगे, ये पैर, ठीक है, बाएं पैर को मोड़ लेना इस तरह, दाया पैर सीधा ही रहेगा इस तरह, ओके, उसके बाद बाईं ओर हल्का सा झुक जाना है, कुछ इस तरह, इसको साथ में करना है कंघी को भी, जैसे आप सर झाड़ते हैं, कंघी करते हैं, उस तरह आपको कंघी करना है, इमेजिन करना है, ऐसे कंघी लेकर मत रहिएगा। तो इस तरह आपको सर झाड़ना है, झाड़ लिए, सर कंघी कर लिए, उसके बाद जेब में रखना है, जेब में भी आपको क्विकली रखना है, ठीक है, इस तरह करके ये आपका सीधा हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही अपने कंघी को जेब के अंदर करेंगे, दाएं पॉकेट में, दाएं जेब में, दाएं हाथ से, तो ये पोजिशन आपका अब बेंड होना चाहिए, इस पैर का घुटना को हल्का सा मोड़ लेना है, कुछ इस तरह, ओके, जेब में कंघी रख ली, कैसे करना है इस तरह, ओके, अपने पैर, अपने कुछ इस तरह, इससे आगे की ओर मत करिएगा, इस तरह नहीं, दाएं पैर से पीछे की ओर इस तरह, ओके। और ये हाथ का इस्तेमाल करना है, बाएं हाथ का इस्तेमाल करना है, बाएं पैर को भी पीछे करना है और बाएं हाथ को इस तरह उंगली दिखा के नीचे जमीन तरफ आपको दिखाना है इस तरह, ओके, ये, ठीक है, इस तरह हो गया। उसके बाद फिर जो पैर जहाँ से लाए थे वहीं रख दीजिए, लेकिन इस बार दोनों हाथों को इस तरह कर लेना है, ओके, ये इस तरह, ये, ओके, ये दो स्टेप करना आपको, ठीक है। अब इसके बाद जो स्टेप आता है, आपको घूमना है, एक बार घूमने का तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, आप वीडियो देख लीजिएगा, तो घूमना है, घूम आप ही सकते हैं, कुछ इस तरह, ओके, क्विकली करना है, ये सारे स्टेप जो मैं बता रहा हूँ उसको क्विकली करना है, जल्दी से करना है, क्योंकि बीट से आप भटक जाएंगे, फिर जिस तरह से बीट चल रहा है, सॉन्ग का म्यूजिक चल रहा है, उस हिसाब से आपको करना है, ठीक है। तो ये आप घूम गए, घूमने वाला मैंने बता दिया, इस तरह करना है, कैंडी को रखना है यहाँ पे, कैंची बना लेना है और एक बार घूम जाना है, ठीक है। घूमने के बाद जो स्टेप आता है वो कुछ इस तरह है, आप अपने पैंट को ऊपर की ओर खींचना है, पकड़ के इस तरह, ओके, ये इस तरह, और हल्का झुक जाना है इस तरह, ओके, उसके बाद ये दायां पैर ऐसे करना है, ठीक है, एक बार इधर दायां पैर की हील को एक बार इधर लाना, ओके, इधर लाके ये कुछ ये पोजीशन हो जाएगा, दायां पैर आपका, जब ये नहीं कि शॉर्टकट मार दें, पूरा मूवमेंट कुछ इस तरह होता है, जब आप पीछे की ओर स्लाइड करते हैं, ठीक है, जो पैर आपका पीछे है, ठीक है, देखो लीजिए मेरा ये पैर पीछे है, तो मुझे इस पैर को इतना स्लाइड करना होगा कि मेरा ये पैर आगे दिखने लगे और ये पैर पीछे दिखने लगे, कुछ इस तरह स्लाइड करना होगा,
ठीक है। अब ये आगे दिख रहा है, ये पीछे दिख रहा है, फिर इसको स्लाइड उतना करें कि ये पैर आगे लगे और ये पैर पीछे लगे, ठीक है। इस तरह करिएगा आप, ओके। जा ऐसा करिएगा कि आपका वो आपका पैर दिखे, ऐसा नहीं कि एक दूसरे से पैर छिप जाए। सही स्टेप यही है कि आप पूरा स्लाइड करें कुछ इस तरह, ओके। पीछे जाने के बाद पोजीशन यही होता है, उसके बाद अब आपको घूमना, ओके। अब आपको घूमना है, दो राउंड घूमना है, एक राउंड, ओके, घूमना है हमको बाएं साइड की ओर, इस तरह पोजीशन रखें। और रखने के बाद जैसे घूमने जाएंगे, ठीक है, ये पैर दायां पैर को, ये दायां पैर का, तो ये दाएं पैर की हड्डी को उसके बगल में रखते, बाएं पैर के बगल में इस तरह कैंची की तरह चलिए, ओके। अब आपको घूमना, ठीक है, तो ये हाथ को, अरे मैं सोलो में बता रहा हूँ, ठीक है, इस हाथ पर से सो जाए, जब ये पूरा आ जाता है ना घूम करके, तो इस हाथ को यहाँ रख लीजिए, यहाँ रख लीजिए या यहाँ रख लीजिए, ठीक है। नीचे ज़्यादा मत रखिएगा, खोल के मत रखिएगा, हाथ को यहाँ रखना आपका बहुत ज़रूरी है। यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर लीजिएगा ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो इतना तो तक घूम करके, तो इतना तक घूम करके आ गए, एक राउंड तक घूम करके आ गए, ठीक है। यहाँ हाथ रख लीजिएगा, ये हाथ रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप दो बार राउंड कर सकते हैं। ये हाथ मैंने यहाँ रख लिया, अब जब मैं घूम के आया, ठीक है, घूम के आने के बाद ये मेरा बायां पैर जो है, इसकी एड़ी उठी हुई ही रहती है। आप बाएं पैर से ही घूमते हैं और सिर्फ इस पोजीशन पर घूमते हैं, ठीक है, एड़ी उठी हुई रहती है और सामने वाला हिस्सा ही आपका ज़मीन पर रखा, आप इसी से घूमते हैं। ये पैर सिर्फ फॉल्स होता है, ये पैर क्या करते हैं ना, सटा लेते हैं आपको, ठीक है, इस पर सहारा दे देते हैं, इस तरह सटा हुआ रहता है। और जो आप घूमे थे, ठीक है, जो आप घूमे थे ना, उसकी रफ्तार से वो घूमता है, उसकी रफ्तार को तय करता है और रफ्तार से ही आप घूमते हैं। यह पैर सिर्फ सहारा बन जाता है एक बार घूमने के बाद, यह पैर इसमें सटा हुआ रहता है सिर्फ, और आप इस पोजीशन पे घूमते हैं इस तरह, ठीक है, इस तरह घूमते हैं, ये इस तरह घूमते हैं, ठीक है। मैं एक बार घूम करके दिखा दे रहा हूँ, ओके, ये देखिए, ये ओके, तो इस तरह घूमना, घूमने के बाद आता है हाथ इस तरह हो जाना चाहिए, ओके, इस तरह, ये इस तरह हाथ होना चाहिए, अच्छा होगा ऐसे, दोनों पैर की, देखिए इसको तुरंत में करना, ये ओके, तो इस स्टेप को इसी तरह करना है और जल्दी में करना है। तो दोस्तों, जूते की नोक वाला जो मैंने स्टेप अभी दिखाया आप लोगों को, आप गौर से देखना, मैंने जूता चेंज कर दिया था, इस जूते से मैंने नहीं किया था जो मैं जूते की नोक पे खड़ा होता हूँ, ठीक है। तो जूता आपका कुछ आपके हिसाब से होना चाहिए, वो जूता किस तरह होना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए, उसका आगे का पोजिशन उठा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए पूरा शरीर का भार मेरा जूते पे की नोक पे आ जाता है और ये इस तरह बेंड हो जाएगा, ठीक है, ये इस तरह बेंड हो जाएगा, तो मैं गिर सकता हूँ, आप भी गिर सकते हैं इस तरह के जूते पहनकर अगर ये स्टेप करोगे, क्योंकि ये बहुत रिस्की स्टेप है। इस तरह का जूता लें आप, ठीक है, जो फ्लेक्सिबल हो थोड़ा, ये अंदर की तरफ भी चला जाता है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ नहीं उठेगा, ठीक है। तो रिस्की है ये स्टेप, ऐसे एक बार से दो बार ही करें, ठीक है, नहीं होता तो दिन छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी उंगली टूट सकती है पैर की। दोस्तों, अब तक मैंने जो भी स्टेप बताया उसको जोड़ करके अब करता हूँ, वो बिली जिन का डांस हो जाएगा, आप देख लीजिए। सर झाड़ लीजिए, जेब में कंघी रख लीजिए, पैर को पीछे करिए, फिर आगे करिए, घूम जाइए, दोनों पैंट को उठाइए, एक बार ये वाला स्टेप, अब मून वॉल करना, अब दो बार घूम के जूते की नोक पे खड़े हो जाना, उसमें कुछ स्टेप नहीं है डिजिन में, बस माइकल जैक्सन जी जो है माइक लेकर के जो पैर इस तरह करते हैं, इस तरह करते हैं, और जो स्टेप है बस यही स्टेप है, लास्ट में म्यूजिक चलता है, टलंग टिंग टलंग जो भी है, इस तरह का म्यूजिक चलता है, बस यही डांस है उसमें। गौर से देख लीजिएगा आप उस एल्बम को, बिली जिन का एल्बम को देख लीजिएगा, कोई डांस नहीं है उसमें, बस मैंने जो बताया यही कुछ स्टेप है उसमें, जो मैंने आपको बताया आप भी कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, किसी भी सॉन्ग में इसको ऐड भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया है,
आपको आपने देखा ही होगा कि मैं बहुत सारे स्टेप यही वाला स्टेप सब डालता हूँ किसी बॉलीवुड सॉन्ग में, किसी भी सॉन्ग में। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए। अगर अच्छा लगा होगा, आपको लगा होगा कि आप मेरे चैनल से कुछ सीख सकते हैं, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।